जैसे कि क्या खूबी है, जो जेसी में हम लोग ब्रशिंग करते हैं या अनबाइंडिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले तो आपको लेटेस्ट फर्मवेयर से फ़ोन को फ्लैश करना है, इसके बाद वही फर्मवेयर सिलेक्ट करके आपको ब्रशिंग करना है, यानी कि अनबाइंड करना है जेसी असिस्टेंस में जाके। ब्रशिंग होने के बाद फिर से आपको थ्री यू टूल या आईट्यून से फिर से फ्लैश करना पड़ता है, बिकॉज ब्रशिंग के बाद आपका फ़ोन रिकवरी मोड में स्टक कर देता है और बोलता है कि आप इसको दूसरे से फ्लैश करो। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, इसमें ये दोनों काम साथ में कर देता है, ये ब्रशिंग भी कर देता है, फ्लैशिंग भी कर देता है, आपको दूसरे कोई सॉफ्टवेयर का नीड नहीं होता है। हाय फ्रेंड्स, आज मैंने एक प्रॉब्लम फेस की। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप LB टूल के लिए अनबाइंड करते हैं कोई भी फ़ोन, तो आपको सलाव यूज़ करना पड़ेगा, और वो टोटली चाइनीज़ वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में नहीं है। तो इसके लिए मुझे चाइनीज़ सीखनी पड़ी, तो आप लोगों को ना सीखनी पड़े इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को आप कैसे एक्सेस करोगे। 3-4 पॉइंट्स हैं खाली, वो 3-4 पॉइंट आपको देखने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है प्रोफेशनल रिसेट। ठीक है, ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है प्रोफेशनल रिसेट, मैं आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। इसके बाद जाना है हमको रिसेट पे, तो ये जो है ये रिसेट पॉइंट है। ओके, इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि आपके फ़ोन में लेटेस्ट OS होना चाहिए। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट OS है वो 17.4.1 है, उस पर आपको क्लिक करना है, बीटा वर्जन पर क्लिक नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। देन उसके बाद क्या करना है, आपके पास वो फाइल होनी चाहिए, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल डाउनलोड नहीं होगी, क्योंकि ये चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, इंडिया ने बैन कर रखा है चाइनीज़ सॉफ्टवेयरों को, तो आपको इम्पोर्ट ही करनी पड़ेगी, यानी कि आपको फ़ाइल डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। तो जो हमारा राइट साइड का ऑप्शन है, ठीक है, जो राइट साइड का ऑप्शन है वो इम्पोर्ट का ऑप्शन है, और जो लेफ़्ट साइड का ऑप्शन है वो इम्पोर्ट ऑप्शन है, जो राइट साइड का ऑप्शन है वो डाउनलोड ऑप्शन है। तो हमें इम्पोर्ट कराना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, बस यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको पाथ दे देना है और इंपोर्ट हो जाएगी। और यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करने से आपका फ़ोन अनबाइंड होगा, अगर यहाँ क्लिक नहीं किया तो अनबाइंड नहीं होगा, और किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं रखना है, नहीं तो खाली फ़ोन फ्लैश होगा। इसके बाद आपको फ्लैश पे क्लिक करना है, और इसके बाद गो को दे देना है, मतलब कि आप जाओ, मतलब फ्लैश होने जाओ, अब आपका फ़ोन फ्लैश हो रहा है। तो बात ऐसी है, इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत है, एक खूबी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि क्या खूबी है, जो जेसी में हम लोग ब्रशिंग करते हैं या अनबाइंडिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले तो आपको लेटेस्ट फर्मवेयर से फ़ोन को फ्लैश करना है, इसके बाद वही फर्मवेयर सिलेक्ट करके आपको ब्रशिंग करना है, यानी कि अनबाइंड करना है जेसी असिस्टेंस में जाके। ब्रशिंग होने के बाद फिर से आपको थ्री यू टूल या आईट्यून से फिर से फ्लैश करना पड़ता है, बिकॉज ब्रशिंग के बाद आपका फ़ोन रिकवरी मोड में स्टक कर देता है और बोलता है कि आप इसको दूसरे से फ्लैश करो। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, इसमें ये दोनों काम साथ में कर देता है, ये ब्रशिंग भी कर देता है, फ्लैशिंग भी कर देता है, आपको दूसरे कोई सॉफ्टवेयर का नीड नहीं होता है। और जेसी का जो ब्रशिंग सिस्टम है वो कई कई बार बहुत परेशान करता है, 3-4 बार हमें करना पड़ता है तो जाके वो पास होता है, नहीं तो फेल 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 बताता रहता है। देखिए, ये वन शॉट में ब्रशिंग हो गया, ठीक है, सारी डिटेल्स आ गई है, आप देख सकते हो, और ये अनबाइंड हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हम लोगों को क्या है, तो LB टूल ओपन करके हम उसमें देखेंगे। तो इसमें 3-4 चीज़ें अनबाइंड होती हैं, जैसे कि हमारा अगर बैक कैमरा है वो अनबाइंड हो जाता है, इसके बाद फ्लड एमुलेटर अनबाइंड हो जाता है, एम्बियंट सेंसर अनबाइंड हो जाता है, ओके, और ट्रूटोन का डेटा भी हमें मिल जाता है अनबाइंड होने के बाद। ठीक है, तो अभी मैंने LB टूल ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि एम्बियंट और रोज लाइन लेटिक, ये सारा है ना ग्रीन हो चुका है, मतलब इसका अगर हमारे पास ओरिजिनल एसेसरी नहीं है तो हम फिर भी वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको राइट डेटा पे सीधा क्लिक करना है, कैमरा फ्लेक्स लगा के, टूल में हमने कैमरा और फ्लेक्स लगा रखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई है तो उसको ऐड नहीं किया इस पर, पहले ऐसी प्रोसेस पे हमने वीडियो बनाई थी, बट उसमें हमारे पास ओरिजिनल कैमरा था तो उसका डेटा रीड करके राइट किया था। इस केस में हमारे पास ओरिजिनल कैमरा नहीं है तो हमें अनबाइंड करना पड़ा। अनबाइंड क्यों किया, ये पता चल गया होगा आपको कि मैंने अनबाइंड इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कैमरा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा है वो पास हो रहा है, अभी हमें कैमरा नहीं निकालना है जब तक कि जो सारे ऑप्शन है वो हाईलाइट ना हो जाए। पास लिखा हुआ आ गया और ऑप्शन सारे हाईलाइट हो गए हैं, पहले डिलाइट थे, मतलब ग्रे आउट थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा डेटा था वो सक्सेसफुली राइट हो चुका है। अब हम इसको फ़ोन में लगा के देखेंगे कि मैसेज आता है या नहीं आता है।
तो खाली ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था वो यही था कि ये सॉफ्टवेयर ओनली और ओनली चाइनीज़ वर्जन में है, इसके लिए मैंने चाइनीज़ सीखी और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही बनाए रखो और हम लोग ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बैक टू बैक, जो भी ऐसा टॉपिक, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसका प्रॉब्लम होता होगा। इसीलिए मैं जो भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मैं वो वीडियो बनाता हूँ। अब इतना कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया, ओके। तो अपन देखते हैं कि कैमरा चलता है कि नहीं चलता। मैंने फ्लैक्स और कैमरा फ़ोन में लगा लिया है, फ़ोन ऑन कर लिया है, और देखते हैं ये चलता है कि नहीं। आप सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ मिला लीजिए, ओके। 14 प्रो मैक्स है, ठीक है, सारे चल रहे हैं, 0.5x, 1x, 2x, 3x सारा कुछ चल रहा है। अब हम सेटिंग में जाके देखेंगे, आगे तो कोई मैसेज नहीं था। हम जर्नल में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, और देखिए यहाँ पे भी कोई मैसेज नहीं है, ओके। इसका मतलब कि जो हमने काम किया वो सक्सेसफुली डन हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।